बीटीसी 2015 के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं रद्द होने के बाद आक्रोशित बीटीसी छात्र छात्राएं ने बुधवार को मुख्यमंत्री से अपनी मांगों को रखने के लिए सीएम आवास गोरखनाथ मंदिर की तरफ रुख कर दिए, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण वे गोरखनाथ मंदिर नहीं पहुंच सके। लेकिन बीटीसी छात्राओं के मंदिर से जाने से रोकने के लिए काफी मशक्कत करना पड़ा। सीएम से मिलने की जिद पर अड़े छात्र छात्राओं पर पुलिस को पानी की बौछार मारनी पड़ी तथा हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। आपको बता दें कि बीटीसी 2015 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर पर पेपर आउट हो गया है, इस वजह से 8 से 10 अक्टूबर के बीच होने वाली परीक्षा निरस्त कर दी थी। अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे उनका भविष्य अधर में आ गया है। यदि 16 अक्टूबर तक परीक्षाएं नहीं हुई तो आगामी परीक्षा भर्ती में बीटीसी 2015 बैच का एक भी अभ्यर्थी शामिल नहीं हो पाएगा। समय से परीक्षा नहीं हुई तो नवंबर में होने वाले टीटी की परीक्षा में भी बैठने से वे वंचित रह जाएंगे। इस तरह भविष्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इन्हीं सब मांगों को लेकर आज बीटीसी छात्र छात्राएं सीएम के गोरखपुर आने की सूचना पर गोरखनाथ मंदिर को कूच कर रहे थे, लेकिन भीड़ देखते हुए पुलिस ने उन्हें धर्मशाला बाजार के पास ही रोक लिया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीटीसी की छात्र छात्राओं ने कहा कि निरस्त हुई परीक्षा को अति शीघ्र कराया जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने बताया। आप कहाँ से चली हैं? कहाँ से चली हैं? डैट से ना तो डैट में चलिए, डैट में सारे लोग पहुंचेंगे, डैट में चलिए। Here.
रोड एकदम खराब कर दिया, कोशिश की जाएगी।